गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम IBPS PO का आज जो 14 अक्टूबर है उसका सेकंड शिफ्ट देखेंगे, उसका एग्जाम्स का एनालिसिस देखेंगे और उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या पैटर्न आ रहा है। देखिए, फर्स्ट जो पैटर्न था, फर्स्ट शिफ्ट थी, जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो 13 अक्टूबर से अलग आई थी, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो पोर्शन था वो इंग्लिश का ही इजी था, बाकी थोड़ा मॉडरेट था। रीजनिंग देखी हमने, रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी, थोड़े टफ था, मतलब टफ मतलब कहूँ तो उसको पढ़ना या उसको समझना थोड़ा लेंदी था। इसलिए देखिए, सेकेंड शिफ्ट भी थोड़ा सा उसी से कोरिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो बहुत डिफरेंट आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए पूरी, देखिए। और एक और बात बता दूं मैं फ्रेंड्स आपको, देखिए इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो की नहीं। आप अगर कोई भी वीडियो देखते हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी की, उसकी आपको PDF मिल जाएगी। और PDF कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी सारी सारी PDF जो होती है, इंपॉर्टेंट PDF होती है, जो एग्जाम मटेरियल होता है, वो सारा आपको कहाँ पर मिल जाता है, टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए हाईलाइट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कहते हैं, देखिए पहली बात तो पता था कि सीक्वेंस कैसे आया था। देखिए सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या था, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। और अगर आप देखें लेवल क्या था, तो लेवल जो था एग्जाम का वो मॉडरेट था, ठीक है। क्या था, मॉडरेट था, ठीक है ना, तो इजी लेवल नहीं था। और रीजनिंग का, अगर रीजनिंग की देखें तो थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट डे हमारा था, उसी पे बेस्ड हमारी रीजनिंग आई हुई थी, ठीक है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की देखें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी इजी टू मॉडरेट रहा, क्या रहा, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ओके। और अर्थमेटिक और जो क्वेश्चन थे वो भी आए हुए थे, ठीक है। अर्थमेटिक क्वेश्चन भी आए हुए थे, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं पूछा गया, अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं पूछा गया, जो फर्स्ट शिफ्ट में हमें पूछा गया था, अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की पूछें तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट इजी था, तो इस शिफ्ट में भी इजी था, ठीक है, पहली शिफ्ट में भी और इस शिफ्ट में भी इजी था, ठीक है, ओके। और अब हम देखते हैं क्वांटिटिव एटीट्यूड में क्या क्या रहा और कैसे रहा, ठीक है। तो क्वांटिटिव एटीट्यूड में देखिए पूछा गया हमें नंबर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे 5, ठीक है। लेवल जो था मॉडरेट था, ठीक ठाक था। और टॉपिक डिटेल्स करें तो देखिए क्वेश्चंस वेस्ट थे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ और देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज वाज आस्क, ठीक है। 3 questions out of 5 वेयर इजीली डबल, ठीक है, ओके ओके। यहाँ आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन DI से क्वेश्चंस थे, ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे DI के 10, ठीक है। जो लेवल था वो इजी था, क्या था, इजी लेवल का था, ठीक है। और ये आपको पढ़ना है क्या क्या यहाँ से आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दिए हैं, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली आए हुए थे, और जो बेस्ड क्वेश्चन है वो ही मैंने यहाँ पर लिया है। आप सोच रहे हो कितने लेट क्यों वीडियो बनाई, इतनी वीडियो लेट इसलिए बनी है क्योंकि सारे क्वेश्चन लेने पड़ रहे थे, ठीक है, बहुत जगह से इकट्ठा करने पड़ रहे थे। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वो सिर्फ बता देते हैं ये क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक्यूरेटली नहीं बताते, ठीक है, एक्यूरेटली नहीं बता पाता, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, देखिए अब क्वांटिटी, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से क्वेश्चन आए थे, देखिए 5 questions थे। इसका लेवल भी देखिए क्या था, इजी लेवल था, ज़्यादा लेवल टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। टॉपिक डिटेल्स करें तो देखिए क्वेश्चंस जो थे इजी एंड देखिए एशियन लेसन से आए थे, देखिए कैसे एशियन लेसन टाइप के कैलकुलेटर आए थे, और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 15 questions थे, ठीक है, ओके। मिसलेनियन क्वेश्चंस में देखिए अर्थमेटिक क्वेश्चंस और ये कैलकुलेटिव भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं, आगे देखिए रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे थे, रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे वो देखिए, पजल थे, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूछा ही जा रहा है, ये सभी को पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, यहाँ से 20 questions आए हुए थे, ओके। और क्या लेवल था, यहाँ से था लेवल आपका इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो देखिए टॉप पजल के जो क्वेश्चंस थे वो 4 questions थे, लाइन अरेंजमेंट की क्वेश्चन पूछे तो देखिए 1 row विद नॉर्थ एंड साउथ, देखिए 1 row के क्वेश्चन आए थे, और उसमें नॉर्थ और साउथ साउथ में कितने व्यक्ति अगर बोले जाए तो 1 row थी, ठीक है, ओके। और फेसिंग पीपल अलग अलग, ठीक है, तो 8 person मतलब 8 लोगों को लेकर नॉर्थ और साउथ में रखा गया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा बॉक्स बेस्ड भी पजल आई थी और 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और 11 बॉक्सेस आए थे। सुबह देखा हमने 10 बॉक्सेस थे, आज अभी देखा 11 हैं और कल देखा 9 बॉक्सेस का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आए थे जो कि आ रहा है, ठीक है। 10% वेयर सिट इन अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर, मतलब कि सर्कुलर में कोई 10 बंदे बैठे हुए, उनके जो जो फेस है वो क्या है, सर्कुलर के साइड में, ठीक है। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ पर देखना है, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कोडिंग, और देखिए अब कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गए, पहले कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 था, लेवल ठीक ठाक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, और ओल्ड पैटर्न पर वेज थे, क्या थे, ओल्ड पैटर्न पर, ठीक है। और सिलोजिम्स जो कि आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो इस शिफ्ट में भी आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेवल ठीक ठाक था और ओल्ड पैटर्न था, क्या था, ओल्ड ही पैटर्न था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग वाले, ठीक है। क्वेश्चंस आए हुए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 थे, लेवल ठीक ठाक था, ठीक है, ओके। और अब देखते हैं टॉपिक, देखिए यहाँ से देखिए डायरेक्शन सेंस से, देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी थे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 थे और लेवल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम सम ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे और मिसलेनियस क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहा, ठीक है। डिटेल अगर टॉपिक की डिटेल पूछे देखें तो सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग और अदर क्वेश्चंस आते हैं, वो मिसलेनियस में थे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 7 क्वेश्चंस थे और मॉडरेट लेवल था, यानी आरसी से 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। देखें और आगे टॉपिक जो थे, 1 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम वोकैब और टॉपिक वाज डिजिटल बैंकिंग, किसके डिजिटल बैंकिंग के ऊपर टॉपिक था, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर टॉपिक था जो कि आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। पैराजम्बल पूछे गए थे, पैराजम्बल के क्वेश्चन जो थे 5 क्वेश्चंस थे, लेवल जो था मॉडरेट था। पहला वाली जो शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश इजी था, लेकिन अब मॉडरेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 6 सेंटेंस नीड टू बी अरेंज, ठीक है, क्या था, 6 सेंटेंस जो थे वो आपको अरेंज करने थे, ठीक है। कंपोजिशन कोचिंग क्या थी, कंपोजिशन टॉपिक क्या था, कंपोजिशन कोचिंग, ठीक है। अब देखते हैं और फिलर्स आए हुए थे, ठीक है। फिलर्स में क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 5 थे, लेवल ठीक ठाक था, इजी था। टॉपिक डिटेल अगर देखें, देयर वाज नो वेरिएशन इन द पैटर्न ऑफ फिलर्स, स्टूडेंट वेयर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द सिंगल फिलर्स टू द गिवन सेंटेंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्लोज टेस्ट, देखिए आया था, अभी तक क्लोज टेस्ट नहीं आया था, तो क्लोज टेस्ट आ गया और 5 क्वेश्चंस में से पूछे गए और इजी ही था, ठीक है। और कैसा पैटर्न था, पुराने वाला जो ओल्ड पैटर्न था उसी पे था, ओके। और देखिए अब फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आए थे और ये आए थे 8 क्वेश्चन, कितने थे, 8 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। टॉपिक ये डिटेल्स यहाँ रही, टॉपिक डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल्स वहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। अगर देखिए अब बात करें हम मेन बात कि आपको कितने अटेम्प्ट करने थे और कितने अटेम्प्ट सही रहेंगे, तो देखा जाए तो आपको अटेम्प्ट देखा या क्वांटिटी एटीट्यूड का, तो इजी टू मॉडरेट ही है ज़्यादा, पूरा क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, क्या इजी टू मॉडरेट है। अगर देखा जाए तो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे 20 से 23, ठीक है, यहाँ पर 20 से 23 या 21 से 23, ठीक है। अगर रीजनिंग एबिलिटी देखा है तो रीजनिंग भी ठीक ठाक थी आपका, यहाँ देखा जाए तो 22 से 25 होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज अगर देखा जाए तो 19 से 22 होना चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ओवरऑल में आपको 60 से 65 या 58 से 65 ही होना, 58 से 64 या 65 ही होना चाहिए, इतने से कम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतने अटेम्प्ट करना चाहिए और इतने से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट ही जाएगा 64 से 67, ठीक है। इससे और आपको लोएस्ट जो जाएगा, लोएस्ट अगर आप जनरल का पूछे, लोएस्ट जनरल जाएगा 53, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगा अभी तक, तो जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके हिसाब से, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, और बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कौन सा एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो 5:30 एक वीडियो आएगी, उसमें सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतनों मैं आपको करा दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, बताइएगा किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हो, क्या लेवल था एग्जाम का। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा उसको भी दबाइएगा, उसके बाद आएगा बेल का आइकन उसे भी दबाइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है जो एग्जाम एनालिसिस रहता है और पैटर्न क्या आता है वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है। और बाकी अगर आप देखें चैनल पर जाकर तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको हेल्प करेंगी एग्जाम के। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।